के बारे तो आप सबने सुना होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि योगा थेरेपी क्या होती है? तो आज हम योगा और योगा थेरेपी के डिफरेंस को जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हेल्दी बेंच में आपका स्वागत है। आजकल योगा थेरेपी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो आइए जानते हैं कि योगा थेरेपी एक्चुअली होता क्या है। योग में अगर हम देखें तो योगा सीखने आते हैं स्टूडेंट्स जिनके गोल्स होते हैं रिलैक्सेशन या फिर एक्सरसाइज करना या डीप अंडरस्टैंडिंग करना या सेल्फ डेवलपमेंट। वही अगर हम योगा थेरेपी की बात करें तो योगा थेरेपिस्ट के पास आते हैं योगा के क्लाइंट्स जिनके गोल्स होते हैं किसी भी हेल्थ कंडीशन को रिवर्स करना, मैनेज करना और ट्रीट करना। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो योगा में योगा टीचर्स जो होते हैं वो योगा स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए। वही दूसरी ओर योगा थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, जो भी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है या जो भी उनकी मेडिकल कंडीशंस है उनको समझते हैं और फिर एक पर्सनलाइज अप्रोच लेके उनके लिए एक प्रॉपर पर्सनलाइज योगा प्लान बनाते हैं जिससे कि उनकी जो भी मेडिकल कंडीशंस है वो ठीक हो सकती है और आप कई सारी मेडिकल कंडीशंस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अब योगिक थेरेपी में ऐसा क्यों कहा गया है कि हर एक के लिए पर्सनलाइज अप्रोच लेना जरूरी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी दो लोग समान नहीं होते। अगर किन्हीं दो लोगों को भी डायबिटीज है तो उनके लिए योगिक थेरेपी डिफरेंट होगी, बिकॉज हर इंसान की जो प्रकृति होती है वो डिफरेंट होती है। आयुर्वेद के हिसाब से हम तीन प्रकृति में बटे होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वैसे ही आपकी जिस हिसाब की प्रकृति है, आपके जो भी मानसिक स्थिति है, आपके और फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशंस है और कौन कौन सी बीमारी है, ये सब को जान के और समझ के एक योगा थेरेपिस्ट आपको एक पर्सनलाइज अप्रोच के द्वारा योगिक टेक्निक्स बताता है जिसमें सूक्ष्म व्यायाम, ओम चैंटिंग, सूर्य नमस्कार, तरह तरह के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन, ये सब कवर होता है। इवन बंधास भी आपको सजेस्ट किए जाते हैं, षटकर्म, ये सारी चीजें योगा थेरेपी में इन्वॉल्व होती है। आजकल जैसे आपने सुना होगा कि कई लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या हार्ट डिजीजेस इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है, तो ये सारी चीजें आपके खराब लाइफस्टाइल के कारण हो रही है। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि 20 से 30 उम्र वाले लोग भी कई सारी बीमारियों से ग्रसित है, तो ये सारी चीजें, ये सारी बीमारियां हम योगा से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई अर्ली साइंस है किसी डिजीज के या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री है कोई बीमारी की या फिर ऑलरेडी आप किसी बीमारी से ग्रसित है, तो आप इन सब चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीजेस को योगा थेरेपी के द्वारा। तो अगर आपको योगा थेरेपी सेशंस ज्वाइन करने हैं तो आप हमें Instagram @HealthyPinchFam पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक फ्री योगा थेरेपी कंसल्टेशन कॉल चाहिए तो उसका फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिलअप करिए और फिर हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके अलावा लास्ट वीक ही मैंने मेडिटेशन चैलेंज जो मैंने दिया था 21 दिनों का, उस पर एक वीडियो डाली है। वो वीडियो लोगों ने काफी पसंद की है, आप भी उस वीडियो को जरूर से जाके देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में उसकी लिंक डाल दी गई है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसे फैमिली और फ्रेंड्स अगर में शेयर करें, वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें।